माँ कहाँ हैं आप? सतीश की आवाज थी ना, मुझे भी ऐसा ही लगा। 2 दिन की छुट्टी कहाँ ना, इसका मतलब जरूर सब साथ ही आए होंगे। बाबा मैं शरद को यहाँ बुला कर लाती हूँ, शरद को ही खुद जवाब देने देते हैं। रोमी सब अभी अभी आए हैं और तुम तो क्या हुआ माँ, क्या शरद जो कर रहा है वो ठीक है? इतनी छोटी उम्र के बच्चे को सिखा रहे देश का मतलब माँ, क्या ये सही है? बताओ, आप ही बताओ, वो ऐसा क्यों कर रहा है? शरद को जवाब देना ही होगा। रमी, शरद ने तो कुछ गलत नहीं सिखाया है, सिर्फ शरद ही क्यों, देश हम सबकी माँ है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। पता ना हो तो चिंता की बात है, इस बात से मुंह नहीं फेर सकते ना। अंग्रेज बाहर से आकर हम पर प्रभुत्व कर रहे हैं, हम सब ने इतने दिनों तक अपना मान सम्मान खोया है, खुद की जान की भी कोई निश्चिता नहीं है। प्रतिवाद करने जाओ तो वो लोग हमें जान से मार देंगे, ये देश हमारा है, वो लोग राज क्यों करेंगे? ये बातें तुम्हें किसने सिखाई बताओगी? क्या शरद तुम्हें ये बातें सिखा रहा है? क्योंकि इससे पहले तुमने ऐसी बातें कभी नहीं कही। इस घर में इस तरीके की राजनीतिक आलोचना मुझे पसंद नहीं है। आपने देख लिया माँ, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना, अनु मौसी के हावा मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। अभी सुना ना आपने, इस तरीके की स्वदेशी बातें अनु मौसी भी करती हैं। शरद, शरद बाबा तुझसे कुछ जानना चाहते हैं, सच सच बताना, इस तरीके की बातें अनु मौसी को क्या तू सिखा रहा है? खुदीराम बोस की शव यात्रा के बारे में अनु मौसी को मैंने ही बताया था। उस लड़के ने इस तरह अपने देश के लिए जान दे दी है बाबा, इसीलिए तकलीफ हर किसी को हुई है। ये सब क्या चल रहा है शरद? मुझे नहीं जानना कि खुदीराम खूनी है या देश के लिए उसने जान दी। उसके लिए देश में कानून है, अदालत है, ये हमारे सोचने का विषय नहीं है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी देशभक्ति और स्वदेशी पूजा करके तुम अपनी पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर चले जाओ। आज अगर अनुपमा तुम्हारे कारण स्वदेशी बातें कर रही है तो तुम्हारा छोटा भाई सुभाष ये आजकल अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है और तुम्हें इसे ठीक करना होगा। आजकल ये घर में बैठा रहता है, स्कूल नहीं जाता है, और ये सब हुआ तुम्हारी दी हुई शिक्षा के कारण। स्कूल में खुदीराम बोस की तस्वीर लेकर गया श्रद्धांजलि देने, इससे भी इसका मन नहीं भरा, घर में वही काम दोहराता रहता है। सुभाष, इस तस्वीर को बाहर रख कर आओ, और प्रमिला, जिस अखबार में सुभाष को ये तस्वीर मिली है उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। जी बाबा, मैं अभी देखती हूँ। सारी कॉपी किताबें तुम घर में लेकर आ गए हो सुभाष, क्या हुआ? सर नीचे झुकाकर क्यों खड़े हो? जवाब दो मुझे। इसका मतलब तुमने गलती की है और तुम्हारे पास जवाब नहीं है। क्या हुआ सुभाष, खड़े क्यों हो यहां? मैंने कहा इस तस्वीर को फेंक दो, जाओ। ये तस्वीरें घर में रखने लायक नहीं है, मैंने जो कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया सुभाष? क्यों बाबा, अगर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर घर में रख सकते हैं, तो खुदीराम बोस की तस्वीर क्यों नहीं रख सकते हैं? खुदीराम बोस ने भी तो देश के लिए जान दी है।
छत्रपति शिवाजी भी मुगलों के विरुद्ध हमारे देश के लिए लड़े थे बाबा। शरद उसे चुप होने के लिए बोल। शुभी, शुभी तो चुप कर। रहने दो, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लड़का हमारे लिए बहुत सारी मुसीबतें लाएगा, बता रहा हूँ तुम्हें। सभी लड़कों में सुभाष का दिमाग सबसे तेज था। मैंने सोचा बड़ा आदमी बनेगा, अपना नाम रोशन करेगा, लेकिन ये मेरे सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, मैं जानता हूं। मैं कल ही अब्दुल के हाथों रेवेन्शो में भेज दूंगा। पता नहीं इसे वहां एडमिशन मिलेगा या नहीं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो शुभी बेटा? बाबा तुम्हें जो भी कह रहे हैं क्या तुम्हें जरा भी समझ में नहीं आ रहा है? माँ, बाबा को बहुत बुरा लगा ना, मैंने तो सिर्फ अपने मन की बात कही। मुझे नहीं पता शुभी, लेकिन तुम्हारी उम्र के बाकी के लड़के जैसा सोचते हैं तुम उनकी तरह क्यों नहीं सोच पा रहे हो? तुम ऐसा तो नहीं सोचते थे शुभी बेटा? तुम सब जाओ, जाकर पहले अपने हाथ पैर धो लो। प्रमी, अनु, उनके लिए जलपान की व्यवस्था कर दो। चिट्ठी आई है। चिट्ठी? मैं देखती हूँ। श्रीमती प्रभावती देवी की चिट्ठी आई है। माँ जी, आपके नाम की चिट्ठी आई है। मेरे नाम पे चिट्ठी? महाशय। माँ, किसकी चिट्ठी है माँ? किसकी चिट्ठी है माँ? माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? विभावती की माँ ने भेजी है। अरे बाबा, क्या लिखा है बताएगी भी? ताई जी, उन्होंने उन्होंने लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि विभावती और शरद की शादी के लिए अब वो इंतजार नहीं कर सकती हैं। इस शादी में अभी अगर और वक्त लगेगा तो वो इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाएंगी। सुरेश, तू शुभी को लेकर बाहर जा। सुरेश भैया, माँ इतने गुस्से में क्यों है? क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी? नहीं, तू बस अभी यहाँ से चल और थोड़ा खेल भी लिया कर, समझा? खेलेगा कूदेगा तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कम करेगा। चल। देवर जी, थोड़ा आप और आपके भैया बात सुनिए ना। आखिर बात क्या है भाभी? छोटी को चिट्ठी लिखकर बता दिया है
अगर हम लोग शादी बाद में करेंगे तो वो लोग इस शादी के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होगा बोलिए तो। अब ये क्या नौटंकी है? मैंने कहा था ना आपसे, देव बाबू की पत्नी जरूर कुछ ना कुछ कहेगी। देख लिया ना, सही कहा था ना मैंने? कोलकाता में रहती है तो खुद को ज्यादा बड़ा समझती है। आपने जाकर उनके घर पर बात की, फिर भी ये चिट्ठी भेजने का क्या मतलब है? अरे छोटी, थोड़ी शांत हो जा, परेशान मत हो, दिमाग को शांत रख। शरद की शादी के बारे में मैंने जो फैसला किया है वो उन तक पहुंचाने का काम हो गया ना? हाँ, तुम्हारे कहने पर अक्षय बाबू को चिट्ठी लिख दी है मैंने, लेकिन शरद की शादी को तोड़ने का फैसला तुमने सोच समझ कर लिया है ना? बिल्कुल। आपको अभी भी लगता है कि शरद की शादी उस घर में करनी चाहिए थी? दे की पत्नी शरद को अभी भी समझ नहीं पाई है, उस घर में मैं अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगी। तुम्हारे बेटे को ये मंजूर तो है ना? सोच लो। कृपया करके हमें गलत मत समझना, लेकिन सच में ये संबंध हमें तोड़ना ही होगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि तक हमारे बड़े लड़के की शादी नहीं होती तब तक किसी भी परिस्थिति में मझले लड़के की शादी संभव नहीं है। आप सबने जो पत्र लिखकर भेजा था उससे स्पष्ट पता चलता है कि इस शादी के लिए इंतजार करवाना अब उचित नहीं है। इसीलिए मेरी पत्नी की इच्छा अनुसार हमने किसी दूसरी जगह रिश्ता तय करने का फैसला कर लिया है। देख लिया आपने, तो अंत में ये तय किया उन्होंने। अच्छा, अगर हमारे साथ रिश्ता करने का मन होता तो हमारी बेटी विवाह से सगाई करके तो रख सकते थे ना वो लोग? नहीं कर सकते थे क्या बताइए? ये ना करके अचानक से तुमसे ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। क्या क्या इन्होंने? इसका मतलब मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। पहले से ही शरद की माँ को विवाह बहू के रूप में पसंद नहीं थी। अब मुझे समझ आ रहा है, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। और तुम भी अचानक ऐसे पत्र लिखने की क्या जरूरत थी? क्या तुम नहीं जानती थी कि इसके क्या परिणाम आ सकते हैं? मतलब मेरी गलती है? मैंने एक पत्र क्या लिख दिया तो मेरी गलती हो गई? ये भी मेरी गलती थी क्या? मन मत जैसे एक शरीफ लड़के को एक अच्छे लड़के को अपने हाथ से कैसे जाने दूं? वैसे भी विवाह को भी मैं इतने दिनों तक घर में बिठा कर क्यों रखूं? कौन सा बहुत अच्छा लड़का था? अब छोड़ी ना इन बातों को, ये रिश्ता तो उन्होंने ही तोड़ा है, तो अब हमारे लिए चिंता की कोई बात ही नहीं रही ना। अब तो मनमत के साथ विवाह की शादी करवा सकते हैं। सुनिए ना, मनमत की माँ कुछ ही दिनों में कोलकाता से वापस आने वाली है। मैं सोच रही थी कि हम सब मिलकर कोलकाता की किसी अच्छी जगह पर घूमने चले, तो इस बारे में ललिता दीदी को भी खबर करती हूँ। माँ, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? क्या आप विवाह के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगी? अजीत, इस विषय पर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। ये तेरा नया स्कूल है शुभी, रावनशाह कॉलेजिएट स्कूल। शुभी, मेरा हाथ छोड़। नए स्कूल के नए दोस्त देखेंगे तो क्या कहेंगे? मझले भैया, वो सब लड़के मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?
साल के बीच में स्कूल में आने से सब लोग ऐसे ही देखते हैं। ज्यादा बात मत कर, आजा मेरे पीछे। ए नंदू, देख देख, ये कौन से अंग्रेज का बेटा है? जूते तो देख उसके जरा। कैसे बन के आया है देख, गांव के स्कूल में अंग्रेज बन के आया है। शुभि, तू यहीं पर इंतजार कर, मैं अभी आता हूं। अंदर आ सकता हूं सर? आइए। मैं शरद चंद्र बोस हूं, श्री जानकीनाथ बोस का बेटा। ओह, और मैं बेनी माधव दास। बैठिए। मेरे भाइयों से आपके बारे में बहुत सुना है, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता था। ओह, एक स्टूडेंट। अच्छा अच्छा, बताइए कैसे आना हुआ? सर, मेरे बाबा ने मुझे मेरे छोटे भाई के एडमिशन के लिए भेजा है। साल के बीच आप लोग एडमिशन लेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि मेरे भाई का अगर एडमिशन हो जाएगा तो वो पढ़ लिख कर सबके बराबर आ जाएगा। बोस परिवार के हम सारे बच्चों ने इसी स्कूल में प्रवेशिक परीक्षा दी थी। घर में बाकी भाई भी हैं उसकी मदद करने के लिए। मैं समझ गया, हाई स्कूल के छात्र हैं आपके दोनों भाई, सुधीर चंद्र बोस और सुनील चंद्र बोस। जी हाँ। जाइए बुलाइए आपके छोटे भाई को, बुलाइए। सुभाष, अरे वो तो चला गया। अच्छा, तुम जानकीनाथ बोस के बेटे हो। घर जाओ, हम फिर मिलेंगे, ठीक है? बस 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 बस, खुश रहो। देखा तुमने, हमारी फिर से मुलाकात हो गई। क्या नाम बताया था तुमने? जी, सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छे, जीवन में तुम खूब आगे बढ़ो। आप इसे पहचानते हैं? पहचानना बाकी है, मुलाकात हुई थी बस। तब ये पीई स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब पहचान लूंगा। हमारे स्कूल का छात्र बनेगा ना अब?